रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपको बताते हैं चाइना ग्रास हलवा बनाना, जो कि रमज़ान की जान है। चाइना ग्रास रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पालोटे के लिए, तो भी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने डेगची में तकरीबन 1.5 कप पानी ले लिया है और मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास है ये चाइना ग्रास का पैकेट, तो इसे हम चाइना ग्रास का मिक्सचर तैयार करेंगे। पहले ये डाल दिए हमने चाइना ग्रास इसके अंदर, दूसरा भी डालेंगे हम 1.5 कप पानी में, इसलिए 1.5 पैकेट चाइना ग्रास का चला जाएगा। और इसे पिघलने दें, जब ये पिघलता है फिर आगे का स्टेप मैं आपको बताती हूँ। ये देखें हमारा चाइना ग्लास अच्छा से इसमें पिघल गया है। अब इसमें हम इसमें हल्दी ज़रूर चीनी डाल दें, जितना भी आपका ये है क्वांटिटी में, मैं भी अपने हिसाब से इसमें चीनी डाल देती हूँ। तकरीबन 1/2 कप मैंने इसमें चीनी का डाल दिया। बाद इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये मिक्स हो जाता है तो इसमें मैं 3/4 कप मिल्क का डाल देती हूँ। ये 3/4 कप इसमें मिल्क का डाल देती हूँ। दोबारा मिक्स करेंगे। जिस बॉल में हमें ये जमा रहा है उसमें तकरीबन ये 2 कप इसमें से भर के ये निकाल लूंगी और इसे हम पिंक कलर का कर देंगे। इस जो 2 कप ये मैंने निकाले हैं इसमें इस तरह से, इसे मैं पिंक कलर करूंगी। इसमें मैंने लाल रंग का पिंक कलर डाल दिया। इसे मिक्स करेंगे। हम जमा देते हैं इसे, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब इसमें से हमने वो अपना जमा दिया, अब मजीद इसमें से हम 2 स्कूप लेंगे। ये हमारा फालूदा भी गर्म है। अभी यहाँ पर ये देखें हमारा पिंक वाला जम गया है। अब ये जो व्हाइट है इसकी लेयर हम इसके ऊपर डालेंगे। अब इसे हम जमा देते हैं फ्रिज में। यहाँ पे जो हमारा बचा है चाइना ग्रास का मजीद मिक्सचर, ये मेरे पास ग्रीन फूड कलर है, ये ग्रीन फूड कलर हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये हमारा व्हाइट ग्रीन तकरीबन जम गया है और ये जो ग्रीन जो हमने बनाया था ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसे हम जमा देंगे। अब इसे हम जमाते हैं वापस फ्रिज में। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ये जम गया है, ये जो हमारा चाइना ग्रास हलवा है। अब इसे हम प्लेट में निकालते हैं, इसको एक प्लेट ले लें और इसको इसमें निकाल लें। ये देखिए जी ये निकल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल हमारा ये
चाइना ग्रास हलवा बिल्कुल रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाइना ग्रास पुडिंग कह लीजिए, चाइना ग्रास हलवा कह लीजिए, फालूदा कह लीजिए, कुछ भी कह जाए, कोई स्वीट डिश कह लीजिए, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत कलरफुल सी बनी है। तो ज़रूर इस रमज़ान में इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको पता है वैसे भी ये स्वीट डिश हमारी जो है ये उसकी जान है, रमज़ान की जान है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे इसका फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये कि मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा टिकटॉक भी है, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन रख दूँगी, इसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।